हेलो फ्रेंड, दिस इज एवर फ्रॉम वोरा ऑटोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियो में हमने रैंडम सीजीआर के बारे में काफ़ी बताया था, और हमने बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में उसी का एक अदर मॉडल के बारे में गाइड करेंगे। तो नाउ हमारे पास ये सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं और इंशाल्लाह आपको उसके बारे में सारा गाइड करेंगे। ठीक है, आज हम जिस मॉडल की बात करने लगे हैं वो इंडेक्स की RD सीरीज में डीमन सीरीज है। ठीक है, इसको हम ड्यूल वेजर का कहते हैं। आइए मैं आपको उसका सारा लुक और उसके बारे में आपको गाइड करता हूँ, उसके फीचर्स के बारे में, इसकी प्राइस के बारे में। ठीक है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये डिमन सीरीज है। आपको इसका लुक सारा दिखा देता हूँ। इसके अंदर भी हमारे पास 17-18 ग्राफिक्स हैं, काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक्स होते हैं हमारे पास इसके अंदर। सबसे पहले जिसका दिखाने का मकसद ये था कि जो CZR थी वो सिंगल फेस यानी फुल फेस और सिंगल वेजर आर्टिकल था। ये डिमन जो आर्टिकल होता है, ये इसका जो सबसे इसको जो डिफरेंट बनाता है CZR से, वो क्योंकि इसके अंदर ग्लासेस है। ठीक है, ये जो ग्लासेस हैं ये मोस्टली टूरिंग करने वाले या मोस्टली सिटी के अंदर लोग जो स्पोर्ट्स बाइकर हैं उसको ये बहुत लाइक करते हैं, जिन्होंने डे में भी यूज़ करना हो स्पोर्ट्स बाइक। ठीक है, इसके जो फीचर्स हैं वो ये फ़र्क है कि इसके अंदर वेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, ये देखें, फ्रंट वेंट है, बैक वेंट है। ठीक है, इसके जो बैक स्पॉइलर पर भी वेंट दे दी गई है। हर ब्रांड के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं कि स्पॉइलर के अंदर भी वेंट्स हो, इसके अंदर स्पॉइलर के अंदर भी उन्होंने वेंट्स दे दी हुई है ताकि अच्छी यानी कि जो इसके अंदर एयर इंटैक्स हो, स्पेशली समर्स के अंदर। आज मैं आपको इसकी पैडिंग के बारे में गाइड करती हूँ। इसकी जो पैडिंग है वही सबसे ज़्यादा इस डीमन सीरीज को सबसे मुनफरद बनाता है दूसरे ब्रांड से या दूसरे मॉडल से, क्योंकि इसकी जो पैडिंग है, अगर आप देखें इसकी पैडिंग, एक सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कॉलर पैड्स हैं, रिफ्लेक्टर्स हैं, और इसके जो पैड्स हैं वो बहुत ज़्यादा थिक पैड्स होते हैं। वीडियो में भी समझ आ रही होगी, लेकिन जो राइडर्स हमारे शॉप पे आके देखेंगे उनको अंदाज़ा होगा कि इसकी जो पैडिंग की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। पैडिंग की क्वालिटी कंप्लीट वॉशेबल पैड्स हैं, ब्लूटूथ के कटआउट्स बने हुए हैं, विंड ब्रेकर है, और ये टोटली पैडिंग रिप्लेसेबल है, वॉशेबल है, हमारे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ठीक है, अब हम आपको इसकी जो फ्रंट ग्लास की क्वालिटी के बारे में गाइड कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका मटेरियल है वो पॉलीकार्बोनेट मटेरियल है। ये टॉप मटेरियल होता है वाइजर्स के अंदर, इसको शीशा नहीं कहते, समटाइम लोग उसको शीशा बुलाते हैं, शीशा नहीं होता एक्चुअली, पॉलीकार्बोनेट होता है, प्लास्टिक के अंदर बेस्ट मटेरियल होता है। इसकी जो विजिबिलिटी होती है वो मैक्सिमम क्लियर होती है, और ये स्क्रैच रेजिस्टेंट यानी ग्लासेस होते हैं हमारे पास। यानी इंडेक्स जो प्रोवाइड कर रहा है वो 3 ग्लास इसमें ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है कि आप बाइंग परचेज़ करें एक हेलमेट तो आप इसमें क्लियर लगवा सकते हैं, गोल्ड लगवा सकते हैं, लाइट टिंटेड लगवा सकते हैं। एक जो फीचर है इसके अंदर, जो मेन फीचर है स्पेशली स्पोर्ट्स बाइक को जो मतलब उसके लिए बेनिफिट है कि इसका जो वाइजर सिस्टम है, एक तो स्टफ वाइजर है, प्लस इसके अंदर जो है ना वाइजर लॉक सिस्टम है। अगर आप गौर से देखें ये लॉक लग गया, कि जब आप हाई स्पीड पे हैं, वैसे तो आप हाई स्पीड पे ना जाएं, हम हर वीडियो में कहते हैं कि बाइकर्स हाई स्पीड पे ना जाएं, लेकिन अगर जा रहे हैं तो फिर ये वाइजर को लॉक भी वो कर सकते हैं। इससे जो वाइजर है वो यानी कि लॉक हो जाएगा और आपको प्रॉपर सेफ कर लेगा। ठीक है, अब जो राइडर्स मेन बात पूछते हैं उसकी सर्टिफिकेशन, इसको सर्टिफिकेशन .EC and TSC की सर्टिफिकेशन होती है। सबसे पहले आप देखें इसके पीछे डॉट मेंशन है, डॉट सर्टिफिकेशन के अंदर अगर आप गौर कर रहे हो तो इसके मॉडल का नाम भी यानी डीमन भी मेंशन है कि ये ओरिजिनल DOT अप्रूव्ड है। ठीक है, इसके अलावा इसके साथ आपको TSA की स्टैंप हम दिखा देते हैं कि ये एशियन सर्टिफिकेशन भी है इसको है, और प्लस इसके साथ के बार कोड्स भी होते हैं कि ये आप ओरिजिनल प्रोडक्ट ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा, पैडिंग में एक फीचर और है कि अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर आई वियर की ऑप्शन है। जिनको सन ग्लासेस या मतलब ग्लासेस पहनते हैं, जिनको नज़र का यानी जो चश्मा लगा होता है तो उनको सम टाइम हेलमेट पहनने में मुश्किल होती है, तो इनकी पैडिंग की ऐसी क्वालिटी ऐसे डिज़ाइन से बनी हुई है कि जो ग्लासेस पहनते हैं उनके लिए उन्हें ग्लासेस ईजिली आ सकती हैं जब वो हेलमेट को वेयर करें। इसकी जो प्राइस है वो 17,000 है, 17,000 रुपये, और ये प्रोडक्ट मेड इन थाईलैंड होता है। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।